हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू असिस क्लासेस। माय नेम इज़ शाइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग असिस क्लासेस। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस द केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड। द नेम ऑफ चैप्टर इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द केमिकल फॉर्मूला एंड हम लोग और सीखेंगे कि राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। तो चलिए बच्चे लोग, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। मैंने आपको बताया था कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला जो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि किसी भी हम लोग केमिकल को उसके सिंबल से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं उसको केमिकल फॉर्मूला। और ये बताता है कि एलिमेंट जो है वो फॉर्मिंग हो रहा है मॉलिक्यूल से। ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एटम को एलिमेंट्स में, कितने किसी या कंपाउंड में या एलिमेंट्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं। फर्दर ये इंडिकेट करता है फिक्स प्रपोर्शन बाई वेट विच एलिमेंट आर प्रेजेंट, कितना मास प्रेजेंट है एलिमेंट्स में। सो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम लोग केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, पहला जो दिया है आपका, पहला रूल क्या है कि सबसे पहले जब भी आप लोग केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखोगे। पॉजिटिव रेडिकल क्या होता है, निगेटिव रेडिकल क्या होता है, ये आप लोग कल पढ़ चुके हो। पॉजिटिव रेडिकल्स में जिसमें प्लस का चार्ज हो, निगेटिव रेडिकल्स में जिसमें निगेटिव चार्ज हो, माइनस चार्ज हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉजिटिव रेडिकल्स लिखना है, फर्स्ट वैलेंसी एट टॉप, वैलेंसी जो होगी उसके ऊपर होगी, एंड निगेटिव वैलेंसी को हम लोग फिर लिखेंगे बाद में, ठीक है। फिर जो चार्जेस होंगे, जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम प्लस आयन है, तो यहाँ पे कैल्शियम पॉजिटिव रेडिकल्स है एंड निगेटिव रेडिकल्स है हमारा ऑक्सीजन पे 2, तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरीके से, पहले हमने क्या लिखा है पॉजिटिव रेडिकल्स, देन हम लोगों ने निगेटिव रेडिकल्स को लिखा है। उसके बाद जो चार्ज प्रेजेंट होंगे टॉप पे उनको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। कैसे इंटरचेंज करेंगे चलो देखते हैं। सपोज करो आप लोग इसी को करते हैं, कैल्शियम पे यहाँ हमारा कितना चार्ज है 2+ है ना, और ऑक्सीजन पे हमारा कितना चार्ज है 2- है। तो हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग तिर्यक थोड़ा इस तरीके से करेंगे, जिसके चार्जेस हैं वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर कैल्शियम है तो कैल्शियम ही लिखोगे, बट इसका चार्जेस जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो कैल्शियम यहाँ पर ऑक्सीजन कितने चार्ज है 2 है, तो जब देखो बेटा निगेटिव चार्ज होगा भले ही, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। वो कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज था बट इसका चार्ज यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो गया। वैसे ही हम लोग करेंगे क्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन में देखो बेटा क्या है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन उतर गया ये वाला, और यहाँ पर इसका चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर पॉजिटिव रख लेंगे। अब देखो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो जब सेम होंगे नंबर तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये फॉर्मूला हम लोग का सिंपली इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, चलो 1 by 1 करके देखते हैं। सबसे पहला आपको दूसरा दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम के लिए भाई क्या होता है, Ca होता है ना, इस पर 2+ चार्ज है, और क्लोरीन के लिए माइनस चार्ज है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, वही क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे। ये याद रखना है कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है सिंबल को उसी के नीचे लिख देंगे, सिंबल जैसे वैसे ही भी लिख दो, है ना। यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन नीचे लिख दो। बस यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इसका चार्ज को इधर ला रहे हैं, मतलब ये इधर वाले का चार्ज यहाँ पर आएगा और इधर वाले का चार्ज जो है वो यहाँ पर आएगा। तो क्लोरीन का यहाँ पे चार्ज आएगा, क्लोरीन का यहाँ पर क्या है -1 है, तो मैंने क्या बताया था कि माइनस भले ही होगा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और कैल्शियम का इधर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पर 1 और 2 का कोई वो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 1 को लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। तो फाइनल हम लोग का रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaCl2, ठीक है। फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा, CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अब भाई वैसे ही हम लोग सोडियम सल्फेट को लिखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पर क्या दिया है, सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर लिखती हूँ, चलो यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट है भाई, तो यहाँ पर सोडियम के लिए सोडियम पर +1 का चार्ज होता है, और यहाँ पे थायोसल्फेट है, यानी कि हमारा दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोग क्रिएट होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे नंबर दे दिए गए, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोग को होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस मेथड ही अप्लाई करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी। सबसे पहला सोडियम के नीचे सोडियम उतार दो, है ना, पॉजिटिव चार्ज उतार लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो सल्फेट है हमारा, ठीक है, हम लोग इसको वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं। भाई इससे तो मतलब नहीं है, ये तो मास है इसका, ऊपर वैलेंसी है, वैलेंसी को हमें लिखना है। तो इसकी वैलेंसी है कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1 थी, तो यहाँ पर 1 लिखो या ना लिखो बात एक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, Na2S2O3। तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। याद रखना है, इससे मतलब नहीं है, नीचे वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला जैसे है वैसे उतर जाएगा, क्योंकि भाई नीचे वाला मास है। हम लोग को वैलेंसी से मतलब है, हम लोग को वैलेंसी का क्रिस क्रॉस करना है, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, वैसे ही है एक और, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो यहाँ एल्युमिनियम के लिए Al3+ है और नाइट्राइड के लिए N3 है, क्योंकि निगेटिव है। यहाँ पर भी क्रॉस मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम लिखेंगे और नाइट्राइड की जगह पे नाइट्राइड लिखेंगे, और यहाँ पर सिंबल चेंज करेंगे भाई। इसका सिंबल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका सिंबल भी 3 है, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर AlN हो जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये समझ में आया कहीं पर प्रॉब्लम। पहले क्या किया मैंने, जो हमारा सिंबल था उसको लिख दिया, और यहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम, नाइट्रोजन के नीचे या सॉरी नाइट्रेट के नीचे नाइट्रेट को लिख दिया। उसके बाद हम लोग इसके जो है सिंबल को, जो हमारा इसका चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रेट का 3 आ गया और यहाँ पर एल्युमिनियम का 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। मैंने क्या कहा था, सेम नंबर होंगे तो कैंसिल कर देंगे, और निगेटिव वाला इधर नीचे आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, तो ये कट गया दोनों, तो क्या बचा, AlN, ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड को इस तरीके से फॉर्मूले में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, पी तो बनाना ही भूल गई मैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो कैल्शियम तो हमारा 2+ और फास्फेट हमारा PO4 3-। तो भैया हमको क्या चाहिए, हमको इधर इधर करना है क्रॉस, इधर करना है क्रॉस। अब यहाँ कैल्शियम के नीचे कैल्शियम लिख दिया और यहाँ पर ये लिख दिया, मैंने क्या बताया, मास को वैसे उतार दोगे। अब यहाँ पर हम लोग सिंबल का चेंज करेंगे, तो इसका 3 इधर आ जाएगा और यहाँ पर इसका, ठीक है, इसके 2 को हम लोग क्या कर देंगे, जो 2 है बेटा उसको हम लोग यहाँ पे आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एरो बनाकर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो अब देखो क्या हो रहा है भाई, अब हमारा फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Ca3 और इसको होल ट्वाइस में हमारा हो जाएगा PO4 और इसका होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको होल ट्वाइस में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो ये थे कुछ केमिकल फॉर्मूला जैसे हम लोग लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है बेटा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आप लोग इजीली कर पाओगे। बस क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लिखना है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज लिखना है, उसके बाद क्रॉस कर देना है ना, उस तरीके से आप लोग लगा पाओगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स एंड उनके चार्जेस। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव से आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, चल रहा होगा कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को लेकर, है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिए हैं जो आप लोग को केमिकल इक्वेशन के साथ लर्न करने हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को पता है सूखी बर्फ भी कहते हैं, ठीक है, CO। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, सल्फर डाइऑक्साइड, ये फॉर्मूले आप लोग को लर्न करने होंगे ताकि आप लोग उसके जो है कॉमनली केमिकल इक्वेशन लिख सको। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होता है, H2O2 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो ये लर्न करने वाला है बेटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो ये तो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट एसिड बेस हैं जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ सिंबल है उनकी वैलेंसीज के बेसिस पे उनको लिखा गया है, तो आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पर रेडिकल दिया है पोटेशियम। पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है भाई, कौन सा सिंबल होता है यहाँ पर, आयन जो होता है पॉजिटिव होता है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कॉपर पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, मरकरी पे भी प्लस होता है, सिल्वर पे भी प्लस होता है, अमोनियम पे भी प्लस होता है, हाइड्रोजन में भी प्लस होता है, ठीक है। बाईवैलेंट, यहाँ पर मोनोवैलेंट थे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वैलेंसी थी, यहाँ पर कितनी वैलेंसी, सब में 1 वैलेंसी है। अब ऊपर देखो यहाँ पर बाईवैलेंट दिया, यानी कि सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और अभी हम लोग पॉजिटिव रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, यानी प्लस चार्ज होगा सब पर, है ना। फिर है ट्राईवैलेंट, ट्राई मतलब 3, यानी जिसकी वैलेंसी 3 होगी। यहाँ पर देखो एल्युमिनियम प्लस, क्रोमियम, फेरस और आर्सेनिक्स, स्कैंडियम, एंटीमनी, सब दिया हुआ है। फिर है टेट्रावैलेंट, जिस पे 4 वैलेंसी हो,
ये भी पॉजिटिव चार्ज के लिए ही है। अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज के लिए भी कुछ दिए गए हैं, तो आपको याद रखना होगा कि कहाँ पर किस पर निगेटिव चार्ज होता है, किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इससे आपको रेडिकल्स बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। देखो जैसे हाइड्रोक्साइड पे OH माइनस है तो मोनोवेलेंट है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर वन वैलेंसी है, यहाँ पर दो वैलेंसी है, वहाँ पर बाई वैलेंट है, जहाँ पर तीन वैलेंसी है वहाँ पर ट्राई वैलेंट है, जहाँ पर फोर वैलेंसी है वहाँ पर टेट्रा वैलेंट है। वैलेंसी हमेशा ऊपर होगी, इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। फिर बेटा वर्कशीट आप लोग खुद से करोगे, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं लिखोगे, ठीक है। ये वर्कशीट ये बच्चे की बुक है, ये पता नहीं सही भी है या नहीं, आप लोग एक बार मिला लेना अपने बुक से, ठीक है। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देन चलो अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई? तो देखो केमिकल इक्वेशन जो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कोई सब्सटेंस बन रहे होते हैं, दैट इज रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड उससे जो बन करके तैयार होता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो जो भी चीज़ें या जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद बन करके तैयार होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये तो आप लोग क्लास सिक्स से पढ़ते चले आ रहे हो। वाइल द केमिकल इक्वेशन, हम लोग जो है जबकि केमिकल इक्वेशन को जो है कुछ सिंबल होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक सिंबल एंड फार्मूलाई ऑफ रिएक्टेंट्स इज रिटन द लेफ्ट एंड राइट। हम लोग लेफ्ट एंड राइट करके लिखते हैं ना, प्लस का साइन लगाते हैं बीच में जोड़ने के लिए रिएक्टेंट को, कि भाई इसको इसके साथ जोड़ा तो ये फॉर्म हुआ। और सिंबल जो फॉर्मूलाई जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड में लिखते हैं हम लोग, और ये सेपरेट करता है प्लस साइन को एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ, ठीक है। दो साइड होते हैं इक्वेशन के, एक होता है रिएक्टेंट साइड और एक होता है प्रोडक्ट साइड, जिसको हम लोग LHS और RHS में डिवाइड करते हैं, है ना। और जिसको हम लोग पॉइंटिंग करते हैं टूवर्ड द प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स प्रोड्यूस और गिव। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या लिया गया है, मैग्नीशियम लिया गया है और हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे लिया गया है, सो सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया H2SO4। इन दोनों को मिलाने पर भाई क्या बन रहा है, हमारा प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको हम लोग एरो से दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। सो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं। इधर वाला हमारा जो है LHS में हमारा रिएक्टेंट्स होता है और हमारा जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट्स होता है। अब है भाई कि हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन को। बैलेंसिंग तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, मतलब देखेंगे, बट आज हम लोग कुछ इसके टर्म को पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स जो हैं इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग हम लोगों ने पढ़ी है तो एक बार फिर से मैं जो भी आप लोग के सिलेबस में अकॉर्डिंग है तो मैं उसे समझा दूंगी एक बार फिर से, ठीक है। अब है भाई बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर एटम एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड इज इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। कैसे पहचानोगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? सबसे पहली बात कि अगर हमारा जो है जितने एलिमेंट्स हमारे LHS में हैं, ठीक है, उतने ही हमारे एलिमेंट्स में एटम जो है हमारे RHS में होंगे तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन विल बी बैलेंस। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया गया और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड H2 और कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर हमारा रिएक्शन आप देखोगे कि बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम जो है लेफ्ट साइड के एलिमेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे राइट साइड के एलिमेंट हैं, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। ओके, बैलेंसिंग किस पर डिपेंड करती है ये आप लोग को पता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन पे, ठीक है, जिसमें हमारा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जितना हम लोग प्रोडक्ट जितना हम लोग रिएक्टेंट लेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा, ठीक है। चलो अब क्या क्या सिग्निफिकेंस है भाई केमिकल इक्वेशन के, क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला कि हमें यहाँ पर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कन्वे बाय द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से हमें क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटिव सिग्निफिकेंस मिलता है। क्या क्या फ़ायदे हैं क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटिव? क्वालिटिवली मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसके जो है किसी भी रिएक्शन को उसके रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट के नेम से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम से। क्वांटिटेटिवली मतलब रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं मॉलिक्यूल और कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, कितने मोल्स जो हैं, कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, कितना ज़्यादा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। रिलेटिव मास क्या है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का ये पता चलता है हम लोग को। एंड रिलेटिव वॉल्यूम क्या है, वो गैसियस है, ठीक है, सॉलिड है या फिर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बारे में जो भी हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे सिग्निफिकेंस हैं जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली हैं, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वालिटेटिवली क्या होता है क्वांटिटेटिवली क्या होता है। अब भाई बैलेंसिंग इक्वेशन को बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है भाई, ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, जो कि मैंने अपने बताया आपको
कि जो रिएक्शन होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट हम लोग लेंगे उतना नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारा बन करके तैयार होगा। दूसरे और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम एलिमेंट्स में प्रेजेंट हैं लेफ्ट साइड, उतने ही राइट साइड प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ एटम, इट इज बोथ साइड आर इक्वल। तो बहुत सारी मेथड है भाई जिससे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं अपना। हीट एंड ट्रायल मेथड है, पार्शियल इक्वेशन मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, अल्जेब्रिक मेथड है, और सिंपलेस्ट सबसे सिंपलेस्ट जो है वो हीट एंड ट्रायल मेथड है जिसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 80% लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। सो कैसे करेंगे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है बैलेंसिंग की, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देख लो, क्योंकि वो भी आप लोग के लिए मैंने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए बनाया था, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और उसके बाद जो आपका इक्वेशन यहाँ पर है मैं उसको भी बैलेंस करवाऊँगी यहाँ पर आप लोग के सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको सर्च करेंगे, देखेंगे, और फिर हम लोग का जो ये रिएक्शन है बस मुझे बैलेंस करवाना है, उसके बाद आपका चैप्टर देन फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।